ओ भाई साहब, बिहार में रोजगार है क्या? रोजगार रहता तो हम लोग बिहार छोड़ के प्रदेश जाते। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग तो चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई क्या काम करते हैं? वहाँ पे बस अभी पलदारी का काम करते हैं। पलदारी का काम करते हैं, मतलब बिहार में पलदारी भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सबसे आप लोग अभी पूछा कि रोजगार क्यों नहीं? खाला देवे ना कहता अपन पेट भरता है, नेता कौन है? या तो दलाल है। नेता मेरा दलाल है। तो दलाल है नेता तो क्या है? वहाँ से आता है इतना देता है इतना क्या देगा? क्या चाचा बिहार में रोजगार है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। रोजगार भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है चाचा? सब नेता लोग है, झूठे के भाषण करते हैं, काम देता है कुछ नहीं। नेता जी सबसे आप लोग कोई भी पूछे है कि क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं पूछे। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सस्ता न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का आगाज पूरे भारत में हो चुका है। लोकसभा चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई है। कोई कहता है 400 पार, कोई कहता है 350 पार, कोई कह रहा है कि हम सरकार बना रहे, कोई कह रहा है हम सरकार बना। लेकिन आज मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे हैं ये चचा साहब, मतलब अपने घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बाहर कमाने जा रहे हैं। बिहार में अगर रोजगार रहता तो ये चचा साहब बाहर जाते क्या? इनसे पूछेंगे क्या बिहार में रोजगार है क्या? जी नहीं, रोजगार होता तो कैसे जाते छोड़ के? यहाँ भी करते काम ना। मैंने रोजगार रहता तो यहाँ करते काम? यहाँ करते काम। तो बिहार सरकार या भारत सरकार से क्या आप लोग का मांग होना चाहिए? धंधा कारोबार सब होता तब ना गरीब मजदूर आदमी। नहीं तो नेताजी, नेताजी सब जब चुनाव आता है तो बिहार में कहता है विकास है, विकास है, रोजगारे दिए हुए हैं। क्या नेताजी सबसे पूछे हैं आप लोग कि रोजगार कहाँ है? सब नेताजी सबके घर में है। घर में है नेताजी सबके। कहाँ घर हुआ चुनाव? हमारा घर है भरत नगर। भरत नगर जी। तो मतलब रोजगार नहीं है यहाँ? रोजगार नहीं है। रोजगार रहता तो इस सब बच्चे को छोड़ करके हम लोगों को क्या शौक लगा हुआ है जी? झोला टांग करके जाते दूसरे को देश में, दूसरे को बात सुनना है। काम किसी का अधीन में कमाना, पैसा लेना बहुत कठिनाई बात होता है। काम करा के भी पैसा देने में दूसरे आदमी रहता है। माने काम करा के भी पैसा नहीं? काम करा के भी बहुत ऐसा लोग हो जो आप दूसरे को देश में क्या कीजिएगा यार? अब समझिए कि बिहारी चचा जो दूसरे स्टेट में जाके कहते हैं, इनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। जितने भी पार्टी है, जितने भी नेता है, सिर्फ भाषण मन से भाषण करते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारे विकास के, हम आपके लिए महल बना दिए हैं, लेकिन रियलिटी में अगर आके देखिएगा जमीनी स्तर पे तो कहीं कुछ नहीं है बिहार में। क्या चाचा बिहार में रोजगार है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। रोजगार भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है चाचा? सब नेता लोग है, झूठे के भाषण करते हैं, काम देता है कुछ नहीं। नेताजी सबसे आप लोग कोई भी पूछे है कि क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं पूछे है। आप वोट देते हैं, वोट देके किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को सांसद बनाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, किसी को मंत्री बनाते हैं। अब बिहार का स्थिति कब बदलेगा? कौन बदल सकता है बिहार का स्थिति? तो नेता लोग ही बदलेगा और कौन बदलेगा? नेता सबके हाथ में है। चचा अभी भी कहते हैं कि नेताजी सब बिहार बदलेंगे। क्या लगता है कि बिहार नेताजी सब बदल सकते हैं क्या? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। कुछ युवा भाई सब है, युवा भाई सब से भी जानेंगे कि बिहार में रोजगार है या नहीं। ओ भाई साहब, बिहार में रोजगार है क्या? रोजगार रहता तो हम लोग बिहार छोड़ के प्रदेश जाते। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग तो चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई क्या काम करते हैं? वहाँ पे बस अभी पलदारी का काम करते हैं। पलदारी का काम करते हैं, मतलब बिहार में पलदारी भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फैक्ट्री बिहार में है क्या कोई अच्छा जहाँ 10-15 हजार मजदूर वहाँ पे काम कर सके? पैसा अगर नौबत रहता तो मुजफ्फरपुर का आदमी बिहार दूसरे स्टेट में जाबे नहीं करता। हाँ, नीतीश कुमार जी बोलते हैं जो मतलब दारू हम बंद करवाते हैं, लेकिन होली के टाइम में जो पान जो अदर स्टेट में जो 200-250 का चीज मिलता है वो यहाँ 1600-1700 रुपए खुलिया मिलता है। हाँ। खुलिया मिलता है, मतलब दारू के धंधा हो रहा है? हो रहा है। शराबबंदी कहता है कि एकदम कानून लागू किए हुए हैं, शराबबंदी बिहार में बंद है? बंद है। चलिए और चचा है, चचा जानेंगे कहाँ जा रहे हैं चचा? हाँ, कहाँ जा रहे हैं चचा? हरियाणा। हरियाणा, वहाँ क्या काम करने जा रहे हैं? क्या करेंगे, जाते हैं बेटा सफर। बेटा सफर, बेटा वहाँ काम करता है? अभी वहाँ काम करते हैं क्या? नहीं, हम जाएंगे आएंगे, घर सामान उमान देने जा रहे हैं। आपके बेटा सब काम करते, बिहार में अगर रोजगार रहता तो आपके छोड़ के होली में आए थे आपके बेटा के? नहीं, कहाँ कोई रोजगार दे रहा है, कौन सा मालिक है, कौन सा अथी है, राज है? हाँ। ये भूख मर रहा है तो देवे ना करता है, आप आते हैं प्रचार कर ले जाइएगा। नेताजी सबसे आप लोग कभी पूछे है कि रोजगार क्यों नहीं? खाला देवे ना करता अपन पेट भरता है, नेता कौन है? या तो दलाल है। नेता मेरा दलाल है। तो दलाल है नेता तो क्या है? वहाँ से आता है इतना देता है इतना। हाँ। तो क्या देगा? बिहारियों का दर्द कौन समझ सकता है? कौन समझेगा? हाँ। वो भी समझेगा, फिर भी बाहरे वाला समझता है। कोई ना फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना कोई जुगाड़ दे रहा है।
माने कोई भी रोजगार बिहार में साधन नहीं है। कहाँ दे रहा है जो पढ़े लिखा है उसको तो खाली बड़ा आदमी को नौकरी मिलता है, छोटा को कहाँ मिल रहा है भाई। माने आपके बेटा नहीं आते होली में, बहुत दर्द हुआ होगा बेटा के लिए। वो तो होबे करेगा, कमाएगा तब तो खाएगा। होली क्या चीज है, कोई चीज नहीं है होली। जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, आप लोग वोट देने जाते हैं तो नेताजी सबसे आपको पूछना चाहिए ना कि आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं बिहार में। वो 5 बरस राज करने के बाद एक बार कुर्सी पर बैठ जाइएगा ना, एक बार कुर्सी पर बैठ जाइएगा तो वो सारे भूल जाता है, छोड़िए लोग जुड़िया मैंने सारा भूल जाता है, भूल ना जाता है तो कहाँ कोई कुछ करता है। बिहारियों का दर्द कौन समझ सकता? कोई नहीं समझता है, कोई नहीं, बाप समझ में ना करता, बेटा समझेगा। समझिए कि ये चचा अपने बेटा के पास जा रहे हैं हरियाणा, इनके बेटा होली में घर नहीं आया, लेकिन इनका दर्द चचा का कोई नेताजी नहीं समझ नहीं आएंगे, क्योंकि नेताजी सब बिहार को लूट मचा के रखेंगे। अभी वो माटी में काम करवाता है तो आधा दलाल लेता है, आधा गरीब को देता है, 5,000 छोड़ा लेता है बैंक से, आधा नेता आपसे जैसा नेता खा जाता है वो उस पर 5,000 दे देता है। तो वो कोई काम का हुआ? कोई काम का नहीं, कोई काम का हुआ, कमाता है गरीब गार खोल कर क्या लेता है पैंट पहनने वाला। तो फिर समझिए कि बिहारियों का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। आए दिन नेताजी सब बिहार में बहुत सारे विकास का वादा करते हैं, क्या बिहारियों का दर्द कोई समझ सकता है? भैया बैग आपका फटा हुआ है, क्या करेंगे सर, फटा हुआ तो क्या करेंगे, क्या कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं देवरिया। देवरिया क्या काम करते हैं? सीलिंग का, सेलिंग का काम करते हैं। तो बिहारियों का दर्द, ये आपका बैग भी फटा हुआ है, सामान भी रास्ता में गिर जाएगा। सर, अगर बिहार में रोजगार रहता तो क्या आप छोड़ के ही जाते घर परिवार? नहीं जाते सर, नहीं जाते। इसका जिम्मेदार कौन हुआ? वो सरकार है सर। सरकार से कभी आप लोग वोट देते हैं तो सरकार से पूछते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाए? हम लोग काहे के लिए पूछेंगे, जब है ही नहीं तो आप उस आदमी आवाज उठाइएगा, आप तब ना मिलेगा ना आपको। आप कीजिए, आप वोट देने का कैपेसिटी, आपको प्रधानमंत्री बनाने का कैपेसिटी, आपको मंत्री बनाने का कैपेसिटी है, लेकिन बिहार में रोजगार का साधन कम मिलेगा बिहार को, तो सभी नेता क्यों बर्बाद कर, आप लोग पूछिएगा। काहे की देखिए, हम लोग जवाब नहीं दे सकते ना इसका, नहीं दे सकते। अब कमाना है, मजबूरी है, जाना है बस। क्या काम करते हैं वहाँ? वो सीलिंग करते हैं, 2x2 सीलिंग का। 2x2 सीलिंग का, मतलब फट गया तो कैसे इस आपका बैग जाएगा? चल जाएगा सर, चला जाएगा। अब समझिए भाई साहब का दर्द, कोई भी भाई साहब, कोई भी बिहारी मजदूर का दर्द समझ नहीं सकता है। जितने भी पार्टी आते हैं, आए दिन वादा बहुत करते हैं बिहार के लिए कि बिहार में विकास, बिहार को बहुत ही विकसित बना दिए हैं। दूसरे स्टेट में फैक्ट्री लग जाता है लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं लग पाता, क्या दूसरे स्टेट में फैक्ट्री लगता है, बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो इसका जिम्मेदार कौन? नेता सा है। नेता सा, नेता भी सबसे आपको पूछे हैं कभी? नहीं, हम लोग नहीं पूछते हैं। तो कौन पूछे? एक बार तब बना रहा था तो उसके बाद में फेल कर दिया, अब बाहर में जा रहे हैं कमाने। अब आए दिन बहुत सारे वादा नेताजी सब करते हैं, समझिए कि बिहारी मजदूर का दर्द देख के आपको रोना आ जाएगा। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।